जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ये सवाल मुझसे क्वालिटी टेस्टिंग के वाले से पूछा जा रहा था कि लेबोरेटरी की टेस्टिंग के वाले जो एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट, तो मुझे कहा जा रहा है कि जस्ट बेसिक प्रिंसिपल बता दे, बेसिक लॉ क्या है इस हवाले से, गाइडलाइन क्या कहती है और किस केस में हमें कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। तो इसको शॉर्ट वीडियो में जस्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी आप बेसिकली जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट है ये ऐसे ही होता है, लेकिन ये आप इंडिविजुअली 10 टैबलेट्स पे अप्लाई करते हैं, इसका एक प्रिंसिपल है। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है बेसिकली, मैं जस्ट वो डिसाइन कर दूँ आपको। इससे पहले मैं एक इस वीडियो में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं जस्ट इसका बेसिक्स बता दूँ कि किस केस में आपको कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है। याद रखिए कि अगर आपकी कोई भी डोजेज फॉर्म है, कोई भी आपके टैबलेट है, कैप्सूल है, अगर वो उसका जो जेनरिक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, उसके जो स्ट्रेंथ है वो अगर 25 मिलीग्राम है या 25 मिलीग्राम से कम है, तो आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट अप्लाई करते हैं। इसके दो लॉ है सही। पहला लॉ क्या है कि अगर आपका जेनरिक या कंटेंट जो है, जो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, वो किसी टैबलेट या कैप्सूल में 25 मिलीग्राम है या 25 मिलीग्राम से कम है, तो आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट अप्लाई करते हैं। नंबर वन लॉ ये है। लेकिन ये सिर्फ एक लॉ पे अप्लाई नहीं है। दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपका जो कंटेंट है, जो जेनरिक है, वो होल टेबलेट का जो वेट है, जो कंप्रेशन वेट है, उसका 25% है, तो भी आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपके, लेट सपोज कोई टैबलेट है जिसका कंटेंट जेनरिक है 40 मिलीग्राम है, लेकिन होल टेबलेट का जो क्या कहते हैं कंप्रेशन वेट है वो 140 मिलीग्राम है या 150 मिलीग्राम है, तो इस केस में अगर जो आपका 40 मिलीग्राम है वो 140 का जो 140 कंप्रेशन वेट है उसका 25% बनता है। यानी आपका अगर जेनरिक 25 मिलीग्राम से ज़्यादा भी है या 30 मिलीग्राम है, लेकिन अगर जो वो कंप्रेशन वेट का 25% है, तो भी आप कंटेंट वॉमिटिंग का टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये दो लॉ बेसिक्स हैं, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया में डिफाइन है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, अगर आपका जेनरिक यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट 25 मिलीग्राम है या उससे कम है, तो आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट अप्लाई करेंगे, या आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो 25 मिली जो कंप्रेशन वेट है होल टेबलेट का उसका 25% है, जो एक टेबलेट का कंप्रेशन वेट होता है, टोटल वेट जो इसको कहते हैं, उसका 25% है, तो भी आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये ब्रिटिश फार्माकोपिया में डिफाइन है। लेकिन इसमें फिर कुछ सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स जो होते हैं वो एक्सेप्शनल केस में आते हैं, लेकिन नॉर्मली ये है कि अगर आपकी जेनरिक, आपकी कोई भी टैबलेट इस क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही है, तो आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये बेसिक इसके दो लॉ हैं जिसके तहत आप इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।